नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, 14 फरवरी सारे युवा सारी युवतियां उत्साहित हैं कि 14 फरवरी आएगा तो हम अपने प्यार का इजहार करेंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, साथ जीने मरने की कस्में खाएंगे। लेकिन शायद वो सारे नौजवान भूल रहे हैं कि वही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे देश ने 43 जवानों को खोया था। हम तमाम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से, देशवासियों से अपील करना चाहेंगे, युवक युवतियों से अपील करना चाहेंगे, आप वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन यह भी जान लीजिए कि वैलेंटाइन कौन था, उसका इतिहास का क्या था। अगर देश के जवान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। जरा याद करिए, 43 जवानों के माता पिता पर क्या गुजरी होगी, अगर उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उन पर क्या गुजरी होगी। आज देश के जवान देश के सीमा पर हैं, तब हम लोग सारे पर्व त्योहार मना रहे हैं। हम अपनी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से उन तमाम 43 वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर एम एस प्रभात जुड़ेंगे, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो उनके बारे में समाज सेवी भी कहना अपने आप में एक छोटा सा सद मुझे लगता है, क्योंकि समाज सेवा में उनका कीर्तिमान, उनकी जो सेवा है निस्वार्थ भाव से, भी आपने हाल ही में देखा होगा वो खुद मुस्लिम है लेकिन वो कभी मुस्लिम की और हिंदू की बात नहीं करते, वो सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। अभी उन्होंने खुद सरस्वती माँ की आराधना की थी, उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था। हमारे साथ प्रभात जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या देश के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैसे वो 14 फरवरी मनाएंगे नहीं मनाएंगे, समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइए। कोई देश ने 43 जवानों को खोया, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले ये है कि वैलेंटाइन डे मैं तो बचपन से रहा, ये कुछ दिन पहले से ही लोगों ने शुरू किया है। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है, विदेश की कल्चर को यहाँ लागू करना, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए घातक है और हमारी बेटियों के लिए घातक और बेटों के लिए घातक है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो दिन याद है 3 बजे समय और 14 फरवरी 2019 को जिस समय हमारे जवानों की छाती पर छलनी छलनी उड़ गए, क्या हाल हुआ होगा उस घर का। बच्चे चीख चीख कर अपने बाप को खोजते होंगे, पत्नी चीख चीख कर अपने हस्बैंड को खोजते होंगे, माँ चीख चीख कर अपने बेटे को खोजते होंगे, क्या हमारी यही काम है। मैं चाहूँगा कि सभी युवा और युवतियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस बार वैलेंटाइन डे की मैं बायकॉट करता हूँ और साथ ही साथ शहीद दिवस मनाया जाए और उन शहीदों को, 43 शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि उनके घराने उनके बच्चे, ईश्वर से दुआ किया जाए और ईश्वर से प्रार्थना किया जाए कि उनको शांति मिले। और आता है, रोआ खड़ी हो जाती है, 43 जवानों की जब मैंने आरती देखा तो आंख नम हो गई और मैं भावुक हो गया। और जब भी ऐसी समय आती है तो मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कह सकता, बस यही कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे जवान हैं, जो हैं वो उनकी दीर्घायु हो। खासकर नौजवानों से हमारी विनती होगी कि इस बार का वैलेंटाइन डे का बायकॉट करें और शहीद दिवस में तब्दील करें। जय हिंद।